Hi guys, so now we are going to discuss a very important topic in machine learning. It's called bias variance trade-off. और ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज लाइक जनरल सॉर्ट ऑफ टॉपिक. लाइक ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, राइट? हर टॉपिक, हर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के ऊपर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है. ओके, सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ. ओके, सो आई एक्सप्लेन द सेटअप. मेरे पास एक डेटा सेट है, एक्चुअली सिंगल डेटा सेट है, बट मैंने उसके ऊपर तीन अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं. सो दिस इज M1, लाइक ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, दिस इज माय मॉडल. यू कैन कॉल इट एज अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल. देन आई हैव M2 जो थोड़ा सा कर्व्ड है, अगेन पॉलीनोमियल रिग्रेशन का एग्जांपल हो सकता है, और ये भी एक हायर डिग्री पॉलीनोमियल रिग्रेशन का एग्जांपल हो सकता है. ओके, यहाँ पर यू कैन नोटिस वन मोर थिंग कि ये जो क्रॉस है, ये सारे क्रॉसेस हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रेनिंग डेटा, और जो ब्लू सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेस्ट डेटा. ओके, सो ऑल्दो ये सब एक ही डेटा सेट का पार्ट है, बट ये दो अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस दीज टू टर्म्स, बायस क्या होता है और वेरियंस क्या होता है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बायस. सो इफ यू सर्च द मशीन लर्निंग लिटरेचर, एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है बायस का, द इनएबिलिटी ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल टू ट्रूली कैप्चर द रिलेशनशिप इन द ट्रेनिंग डेटा. Okay, so I'll repeat. So the inability of a machine learning model to truly capture the relationship in the training data. मतलब अगर एक machine learning model is not capable, अगर वो training data में ही अच्छा perform नहीं कर पा रहा, training data के अंदर का ही pattern अगर अच्छे से नहीं खोज पा रहा, तो we call it bias. इसका मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि training data में क्या है, because वो biased है. Right? So this is what bias is. Okay? So let's see all of these three models, M1, M2 and M3. एंड कैन यू टेल मी कि इनमें से किस मॉडल का बायस ज्यादा है, कौन ऐसा मॉडल है जो ट्रेनिंग डेटा का रिलेशनशिप सबसे कम अच्छे से समझ रहा है. एंड यू कैन टोटली सी दिस मॉडल इज वर्किंग एक्सेप्शनली वेल, राइट? देख रहे हो ये हर ट्रेनिंग पॉइंट से गुजर रहा है, सो ये एकदम परफेक्टली उस रिलेशनशिप को कैप्चर किया, तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा कि हाई बायस है कि नहीं. इनफैक्ट दिस इज लो बायस, राइट? इसको भी अगर आप देखो तो ये ठीक ठाक कैप्चर कर पा रहा है, राइट? There is this curve in this data and this model is able to capture that curve. Exactly नहीं जा पा रहा है, थोड़ा थोड़ा error आ रहा है. ये errors हैं, right? इनको residual बोलते हैं, आप square करके add करते हो. So errors यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये errors zero हैं, right? But if you talk about this one, ये अगर और points यहाँ पे होते like this, तो ये model सबसे terribly perform कर रहा है इन तीनों में, right? So जिस model का high bias है, this is high bias, right? So, हमने बायस डिफाइन कर दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरियंस. वॉट इज वेरियंस? अगेन इफ यू गो बाय फॉर्मल डेफिनेशन, आई टेल यू वॉट वेरियंस इज. सो वेरियंस इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ फिट्स ऑन डिफरेंट डेटा सेट्स. आई एक्सप्लेन इट. ओके, सो अगर आपके पास दो अलग सेट्स ऑफ डेटा है, एक बार आपने ट्रेन किया, दूसरे का आपको टेस्ट करना है, और ट्रेनिंग के ऊपर लेट्स से आपका एरर आया 10 और टेस्ट के ऊपर लेट्स से आपका एरर आया 100, तो आपका वेरियंस इज 90. दोनों एरर्स के बीच में एरर्स का जो डिफरेंस है, दोनों डेटा सेट्स के बीच में जो एरर्स का डिफरेंस है, दैट इज 90. सो दिस इज हाई वेरियंस. वेरिएबिलिटी बहुत है. अगर आपके पास एक ऐसा मॉडल है जो ट्रेनिंग डेटा पे 10 का एरर दे रहा है और टेस्ट डेटा पे 15 का एरर दे रहा है, नाउ दिस डिफरेंस इज ओनली 5, राइट? सो यहां पर लो वेरिएबिलिटी है या लो वेरियंस है. ओके, अगेन लेट्स सी ऑल ऑफ दीज थ्री मॉडल्स एंड लेट्स सी कि किसमें हाई वेरियंस है, किसमें लो वेरियंस है. ओके, सो अगेन अगर आप इन दोनों मॉडल्स को देखो, तो सिंस ये खुद ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे ट्रेनिंग डेटा पे, तो बायस इनका हाई था, बट यू कैन सी फिर भी दे आर क्लोज टू द टेस्ट डेटा पॉइंट्स, विच मींस कि समहाउ इनका जो ट्रेनिंग एरर होगा और जो टेस्ट एरर होगा वो क्लोज होगा, विच मींस वो वेरिएबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो वेरियंस लो है. ओके, सो इन दोनों में ही लो वेरियंस होगा. आई राइट इट डाउन. ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट दिस मॉडल, सिंस इसका जो लॉजिक था उसने पूरा का पूरा ट्रेनिंग का रिलेशनशिप कैप्चर करने में अपना पूरा दिमाग लगा दिया, नाउ ये वाला एरर बहुत बढ़ गया है. यू नो ये एक्चुअली ये ऐसे नहीं आएगा, ये यहां पर होगा, तो इतना डिफरेंस. इन सबको आप स्क्वायर करके जब ऐड करोगे, तो यहां पे टेस्ट सेट का एरर बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि सोचिए देखो डिफरेंस की बात कर रहे हो, राइट? सो यहां पर जीरो है, ट्रेनिंग में इट्स जीरो और टेस्ट में इट्स वेरी हाई, तो जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा आएगा. सो दिस इज अ हाई वेरियंस मॉडल, राइट? नाउ आई टॉक अबाउट टू मोर टर्म्स. ओके, सो द फर्स्ट टर्म इज
ओवरफिटिंग एंड द सेकेंड टर्म इज अंडरफिटिंग। ये बहुत फेमस टर्म्स हैं और आई गेस आपने कभी ना कभी सुना भी होगा। आई क्विकली डिफाइन देम। सो अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग क्या होता है? जब आपका कोई मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छा काम करता है लेकिन टेस्ट डेटा पे अच्छा काम नहीं करता, मतलब उसका ट्रेनिंग एरर इज एक्सट्रीमली लो बट द टेस्ट एरर इज हाई, सो द डिफरेंस इज वेरी हाई बिटवीन दीज टू एरर्स, बेसिकली दिस मॉडल। सो दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ ओवरफिटिंग, दिस इज ओवरफिटिंग, राइट? लेट्स टॉक अबाउट अंडरफिटिंग। सो इफ देयर इज अ मशीन लर्निंग मॉडल जो यू नो ट्रेनिंग डेटा में ही ठीक से रिलेशनशिप कैप्चर नहीं कर पा रहा, राइट, उस तरह के मॉडल को हम बोलते हैं अंडरफिटिंग। दिस वन इज अ केस ऑफ अंडरफिटिंग, राइट? इसको आप एक ऐसे स्टूडेंट की तरह समझ सकते हो जो एग्जाम में रट करके गया, राइट? उसने हर चीज बाय हार्ट रट लिया, लॉजिक समझने का ट्राई नहीं किया। ऑब्वियसली जब वो एग्जाम में बैठेगा और उसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि उसके कॉन्टेक्स्ट के बाहर के हैं, उसका परफॉर्मेंस खराब होगा। दिस गाय, ओके, एंड दिस इज दिस कैजुअल गाय जो हर चीज को बहुत लाइटली लेता है, तो इसने पढ़ाई नहीं की एक रात पहले तो इसको कुछ नहीं आता, राइट? तो ऑब्वियसली इसका एग्जाम में भी परफॉर्मेंस खराब होगा और इसका ऑब्वियसली इसने पढ़ाई भी नहीं की तो वो परफॉर्मेंस भी खराब है, राइट? सो यू डोंट हैव टू बी दिस गाय एंड यू डोंट हैव टू बी दिस गाय ऑल्सो, ओके? सो इन अ वे मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यू हैव टू गो फॉर लो बायस एंड लो वेरियंस। ये आपका टारगेट होता है, ठीक है? सो यू कैन सी यहां पर इन तीन केसेस में लो बायस इसके पास है और लो वेरियंस काइंड ऑफ इसके पास भी है और इसके पास भी है। अगर हम ऐसा अज्यूम कर ले कि डेटा ऐसा है कि इसका लो वेरियंस इससे ज्यादा है, मतलब इसमें कम वेरियंस है इसके कंपैरिजन में, तो यू कुड से कि लो बायस इसके पास है, लो वेरियंस इसके पास है, बट आप क्या करोगे? आप इसको एलिमिनेट करोगे बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, क्योंकि यहां पर हाई वेरियंस है, और आप इसको एलिमिनेट करोगे बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर क्योंकि इसके पास हाई बायस है। तो आपके पास बचा सिर्फ एक मॉडल जो दोनों में से किसी भी चीज में अच्छा नहीं था बट वो दोनों में से किसी भी चीज में खराब भी नहीं था, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। कभी कभी आप क्या करते हो, थोड़ा सा बायस को जाने देते हो, राइट? आप थोड़ा सा हाई बायस रखते हो सो दैट आपका वेरियंस लो रहे, राइट? सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस स्वीट स्पॉट इन बिटवीन। दिस मॉडल इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल मॉडल, टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक मॉडल। सो यू फाइंड द स्वीट स्पॉट बिटवीन अ वेरी सिंपल मॉडल विच अंडरफिट्स and a very complex model which overfits and you have to find a sweet spot in between। और यही मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये करने के तीन सबसे फेमस सबसे इंपॉर्टेंट तरीके यहां पर लिखे हुए हैं, रेगुलराइजेशन, बैगिंग एंड बूस्टिंग, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके? सो आई होप गाइज दिस वीडियो इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।